हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अभी फिलहाल ट्रेंडिंग में इंटरनेशनल मीडिया के अंदर सिर्फ एक ही चीज है जो वायरल हो रखी है और अभी करंट इशू बना हुआ है, जिसके अंदर है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, यानी कि जो विदेश मंत्री हैं, वो काफी दिनों से लापता चल रहे हैं, काफी दिनों से गायब हैं। और इसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रही है और हर कोई जानना चाह रहा है कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी हैं कहाँ पे और उनकी क्या सिचुएशन है और चाइना ने उनके साथ में क्या किया है। ये सब जानने के लिए इच्छुक है लोग, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो अभी इस चीज को काफी ज्यादा डिटेल में कवर कर रही है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है, जिसके अंदर जो ये चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है किन गांग, ये कहां पे गायब हो गए हैं और कितने दिनों से गायब हैं और इनको लास्ट टाइम कब कहां पे देखा गया था। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको इनके बारे में कंप्लीटली समझ में आएगा। दोस्तों, यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये इमेज है चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी, किन गांग की, और कुछ ऐसे एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं इनके ऊपर कि इनका जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है एक इनकी गर्लफ्रेंड है उनके साथ में। दोस्तों, हम देख सकते हैं कि इनके ऊपर कुछ ऐसे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो सच है या रूमर फैली हुई है उसके बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं हो पाया है, लेकिन एक बार न्यूज़पेपर के अंदर भी इनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसको कवर किया गया था। तो मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा आज इस पूरी की पूरी करंट न्यूज के बारे में कि ये पूरी की पूरी न्यूज है क्या। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और जानते हैं चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं किन गांग उनके बारे में। आप यहां पे देख सकते हो जो ट्रेंडिंग में बड़े बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर हैं उनके अंदर भी इस आर्टिकल को काफी ज्यादा डिटेल में कवर किया जा रहा है। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो, वेयर इज चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर किन गांग मिसिंग इन एक्शन फॉर नियरली अ मंथ, यानी कि लगभग दोस्तों वो एक महीने से गायब चल रहे हैं, उनकी अभी तक कोई खबर नहीं है, उनको किसी भी मीटिंग के अंदर नहीं देखा गया और उनकी वजह से कई जो मीटिंग है चाइना ने वो कैंसिल भी की है पास्ट में। अब जो मिन टेन न्यूज़पेपर उसके अंदर यहां पे कवर किया गया है, वेयर इज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किन गांग रूमर्स वायरल एज लॉ मेकर रिमेन मिसिंग फॉर नियरली अ मंथ। किन गांग मिसिंग, वेयर इज चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर लास्ट सीन ओवर 3 वीक्स एगो, यानी कि उनको लगभग 3 हफ्ते पहले देखा गया था। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फॉरेन मिनिस्टर, जो ये पोर्टफोलियो है, जो ये पद है फॉरेन मिनिस्टर का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद होता है प्रधानमंत्री जी के बाद में और राष्ट्रपति के बाद में। जिन देशों के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उनके अंदर राष्ट्रपति के बाद में, और जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पे प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर के बाद में जो फॉरेन मिनिस्टर का पद होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। और ये काफी ज्यादा पॉपुलर होते हैं, जो भी काफी बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज हैं जैसे कि इंडिया, चाइना, यूएसए, रसिया, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर कंट्रीज हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका तो पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक अलग ही इमेज होती है और उनको पूरी दुनिया में हर कोई जानता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये न्यूज क्या है। जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर किन गांग है वो काफी लंबे समय से लोगों के सामने नहीं आए हैं, लगभग उनको एक महीना बीत चुका है, पब्लिक ने उनको कहीं भी नहीं देखा, किसी भी पब्लिक मीटिंग में कहीं भी उन्हें नहीं देखा गया है, जिसने ये एक डिबेट है जो स्पार्क कर दी है, जिसकी चिंगारी जगा दी है और हर कोई है कि वो जानना चाहते हैं कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर है वो अभी कहां पे हैं और कैसी उनकी सिचुएशन है। लास्ट टाइम उनको देखा गया था 25 जून को एक मीटिंग में, उनके जो श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर हैं अली साबरी इन बीजिंग में, उनके साथ में देखा गया था चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को। जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं किन गांग, वो लंबे समय से अब्सेंट चल रहे हैं, पब्लिक के सामने नहीं आए हैं, एक काफी अनयूजुअल पीरियड ऑफ टाइम हो चुका है कि वो लोगों के सामने नहीं आए हैं और अब हर कोई जानना चाहता है कि वो अभी हैं कहां और उनकी क्या सिचुएशन है। उनको नहीं देखा गया पास्ट 3 वीक से, जो कि एक लोगों के मन में जो कल्पना सी जगा रखा है, उनकी जो अब्सेंस है, लोग जानना चाह रहे हैं कि वो है क्या, कहां और उनके साथ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, जो कि ये एक सीजन डिप्लोमेट है और काफी ज्यादा ट्रस्टेड एड है चाइनीज जो प्रेसिडेंट है जिनपिंग, उनके काफी ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति हैं किन गांग, जिन्होंने कंट्रोल ऑफ द कंट्री को संभाला था इन दिसंबर में, आफ्टर जो इनका एक शॉर्ट टेन्योर भी रहा है एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूएसए में एम्बेसडर भी रह चुके हैं चाइना की तरफ से।
ऑफिशियल्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि जो जैसे कि अभी उन्होंने मिस कर दिया था, रिसेंट जो एशियन फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी वो भी उन्होंने मिस कर दी थी ड्यू टू हेल्थ रीजंस। ये ऑफिशियल्स का कहना है कि हेल्थ रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने इस मीटिंग को मिस किया, लेकिन ये एक कन्वीनियंट नहीं लग रहा है, इससे लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं कि ये सच्चाई हो सकती है। ऐसा लगता है कि ये सच्चाई नहीं है, कुछ और ही चीज है जो लोगों को बताई जा रही है, जो चाइनीज गवर्नमेंट बताना नहीं चाह रही, लेकिन वो एक हेल्थ जो इशू है उसको बीच में यहाँ पे डाल रहे हैं। जबकि चाइनीज जो ऑफिशियल है वो इस बात पे इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज हैं वो लगभग हो रही हैं एज यूजुअल, जैसे चलती आ रही हैं। जो किंगांग है उनकी अब्सेंस है, उनसे उनको जरूर घाटा तो हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने एडिशनल जो प्रोमिनेंस है उसको गेन किया है। जो ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज के अंदर जो ये घबराहट चली हुई है, जो ये किंग गांग नहीं है, उनकी एब्सेंस होने के बाद में भी उन्होंने जो एडिशनल प्रोमिनेंस किया है, गेन किया है, वो अब्सेंट चल रहे हैं। जो कि उनकी वहां पे जो हाई प्रोफाइल विजिट की गई सीनियर यूएस ऑफिशियल्स के द्वारा, जेनेट येलेन और जॉन कैरी के द्वारा भी जो विजिट की गई उसके अंदर भी वो वहां पे अब्सेंट थे। इवन जो फॉरेन मिनिस्टर्स की एशियन मीटिंग हुई थी इंडोनेशिया में लास्ट वीक, वो वहां पे भी अब्सेंट थे, वहां पे भी दिखाई नहीं दिए। जो स्टेट काउंसिलियर एंड फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग जो कि अनेबल है अटेंड करने के लिए इस सीरीज ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग ड्यू टू हेल्थ रीजन, ये जो फॉरेन मिनिस्ट्री वहां के स्पोक्स पर्सन है वांग वेनबिन, उनके द्वारा ये कहा गया है डेली ब्रीफिंग के अंदर। लास्ट वीक उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि जो फॉरेन मिनिस्टर किंग गांग है वो काफी लंबे समय से उनके हेल्थ रीजंस हैं जिसकी वजह से वो लोगों के सामने नहीं आ पा रहे हैं, जिस वजह से जो सीरीज है फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग की वो इसको अटेंड नहीं करेंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट उनके द्वारा दी गई थी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन के द्वारा। अब रूमर्स ये भी हैं कि जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं किंग, उनका जो मिस हो रखे हैं उसने जो एक चीज को और इंटेंस स्पेक्टुलेट कर दिया है, एक चीज को और बढ़ावा दिया है जिसके अंदर है उनका जो एलिज्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है एक जर्नलिस्ट के साथ में। तो लोगों ने यहाँ पे ये भी शक जाहिर किया है कि जो उनका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये भी कहीं ना कहीं कुछ वजह हो सकता है जिसकी वजह से वो गायब है, ऐसा भी लोग सोच रहे हैं। ऑफिशियली चाइना ने जो है एक्सप्लेन किया है जो किंग गांग है उनकी जो डिसअपीयरेंस है वो एक हेल्थ रिलेटेड मैटर ही है सिर्फ, बट उनकी कोई पिक्चर नहीं है उनकी रिकवरिंग की फ्रॉम जो ये एलिज्ड इलनेस है, जो उनके ऊपर एलिगेशन है इलनेस का कि वो बीमार है, उसके प्रति अभी तक किसी भी प्रकार की कोई पिक्चर नहीं है उनकी रिकवरी के लिए। और उनका जो अंडरगोइंग ट्रीटमेंट चल रहा है, अंडरगोइंग जो ट्रीटमेंट है उसकी भी किसी प्रकार की कोई भी पिक्चर नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को ये है कि पता नहीं वो अभी कहां पे हैं। और लोग इस बात को नहीं मान पा रहे हैं कि सच में ही उनको सीरियसली जो कि इलनेस है या वो हेल्थ रिलेटेड मैटर है जिससे वो सफर कर रहे हैं ऐसा कुछ है, क्योंकि कोई भी जो इमेजेस नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है जिसकी वजह से लोगों को इस बात से मतलब सेटिस्फाई नहीं है वो कि सच में ही ये हेल्थ रिलेटेड मैटर है। किंग गांग जैसे कि रूमर के हिसाब से जो उनका एक अफेयर है टीवी शो होस्ट है जिनका नेम है दोस्तों यहां पे उनके साथ में उनका अफेयर है जो कि इनका नाम है फू सिया ओटी ओन, जिसके साथ में कह रहे हैं कि इनका अफेयर है जो कि एफिलिएटेड है विद हांगकांग जो बेस्ड फिनिक्स टीवी है उसके साथ में ये एफिलिएटेड है, ये जो इनकी गर्लफ्रेंड है या जिसके साथ में इनका अफेयर है फू सिया ओटी ओन, यहाँ पे इनके साथ में इनका अफेयर बताया जा रहा है दोस्तों, जो कि ये एक यूएस सिटीजन है, इनकी जो गर्लफ्रेंड है ये एक यूएस सिटीजन है। और अभी तक क्लैरिटी की लैक है, यानी कि अभी तक कुछ भी क्लैरिफाई नहीं हो पाया है अबाउट जो फू के हस्बैंड है उसके बारे में अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है। जबकि ये भी एडिट किया गया है स्पेकुलेशन, ये अनुमान भी है कि किन बींग हर चाइल्ड फादर, मतलब किंग के ऊपर जो ये एक्स्ट्रा मैरिटल है इसके भी लोगों को अनुमान दिख रहे हैं, जो ये गायब हुए हैं इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है, जो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये भी एक मेजर वजह हो सकती है। ओवरसीज जो चाइनीज मीडिया है जिसके अंदर इंक्लूडिंग मदारिन लैंग्वेज मीडिया बेस्ड जो कि ताइवान के अंदर है, उन्होंने भी इंटेंशनली स्पेकुलेट किया अबाउट जो किंग का ये एलिज्ड अफेयर है इसके बारे में, और उन्होंने वीडियो भी शेयर की है फू के इंटरव्यू की किंग गांग के साथ में, जहां पे वो अपीयर देखा गया उनको कि वो स्माइल कर रहे थे एक दूसरे की तरफ
एट ए हॉरिजॉन्टल वे में वो देख देख के स्माइल कर रहे थे। तो इनके इंटरव्यू की जो वीडियो वो भी शेयर की गई है। और जो फ्यू है, इनकी जो गर्लफ्रेंड है फू, उन्होंने लास्ट ट्वीट किया था जिसके हम एक अनदर पीस ऑफ एविडेंस के रूप में भी देख सकते हैं, जहां पे उन्होंने पोस्ट की थी 3 फोटोज, जिसमें इंक्लूडिंग एक फोटो वो है जहां पे उन्होंने इंटरव्यू लिया था चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का, और उन्होंने फिर ट्वीट नहीं किया है और ना ही कोई पोस्ट की है वेब के ऊपर सिंस 11 अप्रैल से। अभी तक उन्होंने कोई भी पोस्ट नहीं की, कुछ भी ट्वीट नहीं किया है अभी तक। और जो ये किंग अफेयर्स के बारे में रूमर्स हैं, अगर ये ट्रू हैं तो जो चाइनीज प्रेसिडेंट हैं जिनफिंग, उनके आगे एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क है उनके सामने, क्योंकि जो ये चाइना के प्रेसिडेंट हैं जिनफिंग, इन्होंने प्रमोट किया है किंग गांग को टू रोल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर के लिए, जो अदर सीनियर डिप्लोमेट हैं उनको पीछे करते हुए जो ये किंग गांग है इनको वहां पे प्रमोट किया गया था और इनको फॉरेन मिनिस्ट्री दी गई थी। बिकॉज ऑफ जो कि इनके सेरे टाइस हैं, ये जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं इनके साथ में इनके काफी अच्छे रिलेशन हैं और इनको उनका राइट हैंड भी माना जाता है। और जो ये रूमर हैं ये चैलेंजिंग है इस चीज के लिए कि ये एक पॉइंट खड़ा करती हैं, जो वो प्रमोट किया जाता है कैडर्स, जो इनको डिप्लोमेट्स को प्रमोट किया जाता है वो एक गुड ट्रैक रिकॉर्ड के साथ में प्रमोट किया जाता है। अगर जो ये इनका अफेयर है ये सच है तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है, सवाल है जो कि चाइना के प्रेसिडेंट जिनपिंग के ऊपर है, अगर इनके ऐसे रिलेशन है तो इनको प्रमोट क्यों किया गया। और जो एक किन का एग्जांपल है, ये जो चाइना के अंदर जो चाइना का मुखौटा है उसके अंदर पोक कर सकता है, एक होल कर सकता है दोस्तों, कि अगर इनका अफेयर है, अगर ये बात सच है तो फिर इनको प्रमोट क्यों किया गया। और जो अदर पॉसिबिलिटी है बोथ की रूमर की, जैसे कि उनकी हेल्थ है और अफेयर है, अगर ये दोनों ट्रू है तो जिसके अंदर ये भी हो सकता है कि जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं जिनपिंग, वो चाहते हैं कि स्लोली स्लोली जो फॉर्मर्स जो ये हैं किंग गांग, जो इनको साइडलाइन कर दिया जाए, जो कि इनके एक क्लोज कॉन्फिडेंट्स हैं, इनको साइडलाइन कर दिया जाए और इनकी जगह किसी और को यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए, ताकि दोस्तों ये जो मैटर है इसको यहीं पे दबा दिया जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कम्प्लीटली अभी तक समझ में आ गया होगा। इनकी जो एक तो सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसके द्वारा कि इनका हेल्थ इशू है, और एक प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ लोगों का मानना ये भी है कि जो इनका अफेयर है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि ये गायब हुए हों, ये लापता हों। तो अभी तक तो इसी के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया करंटली कवर कर रही है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद जय भारत।